अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ देखी है, एक्टिविटी, और उसकी एक्सप्लेनेशन हमने वीडियो के अंदर दी थी कि एक्टिविटी किस तरह से बिहेव करती है और उसके कितने मेथड्स होते हैं और कब कब कौन सा मेथड कॉल होता है। सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग साइड की थोड़ी सी, कि हमारी एक्टिविटी के ऊपर कुछ बटन्स हों, कुछ टेक्स्ट हो जिस पे कुछ लिखा हुआ आ रहा हो, जब हम बटन क्लिक करें तो वो टेक्स्ट व्यू जो हम क्रिएट करेंगे वो चेंज हो रहा हो। बेसिकली एक्टिविटी जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं बटन्स के, टेक्स्ट के, एडिट टेक्स्ट के, जिसके अंदर आप इनपुट देते हैं, तो वो अब हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करना शुरू करते हैं जो हमारे कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो बेसिकली इनको विजिट्स कहते हैं एंड्रॉयड के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये सिर्फ इस वीडियो के अंदर, या इससे आगे एक दो वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करके दिखाऊंगा। और मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल भी बेस्ट प्रैक्टिस में से नहीं है, तो आप भी अवॉइड करिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप को स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि ना तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ना ही आगे जाके आप कोई बेहतर यूआई बना सकेंगे। बेहतर यूआई से मतलब ये है कि जो भी आप यूआई बनाएंगे एक मोबाइल स्क्रीन के लिए, वो आपको ये जहन में रख के बनाना होगा कि वो 4.4 स्क्रीन से लेके 5.0 इंच स्क्रीन, 6 इंच स्क्रीन, 7 इंच की स्क्रीन, उन सब पे सेम उसका जो है लेआउट शो होना चाहिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल, ताकि डिज़ाइनिंग साइड से आपको ज़्यादा वो ना हो कि इतना मुश्किल है, तो जस्ट फॉर फन हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड का ना। तो अच्छा, यहाँ पे इसकी आईडी को हम डिफाइन करेंगे एंड्रॉयड के अंदर, मतलब जो भी आप विजिट बना रहे हैं, बटन्स, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट व्यू, जो भी चीज़ें हैं, उन सब की एक यूनिक आईडी होगी। यूनिक आईडी हम इसलिए रखते हैं तब ताकि जिस उस चीज़ के ऊपर जब हम कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें तो उस आईडी का रेफरेंस दे सकें, ताकि मल्टीपल टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, तो दोनों डिफ्रेंशिएट हो सकें कि मैं किस वाले के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। तो मैं फॉर सपोज यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ TV_1। सही, मतलब टेक्स्ट व्यू _1, ये मेरा पहला टेक्स्ट व्यू है। सही। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक बटन, बटन यहाँ पे जैसे कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे बटन सर्च कराएंगे तो ये बटन आ जाएगा। इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ से और मैं इसको यहाँ लेकर आया, मैंने इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया तो ये मेरा एक बटन आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से एक और ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये मेरा सेकंड बटन आ गया। अब button 1 पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, सही। तो मैं यहाँ पे इसको आईडी देता हूँ BTN_1, मतलब button 1 है मेरा, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ BTN_2। सही, हमने टेक्स्ट व्यू को आईडी दी थी TV_1, इन दोनों को आईडी दी थी button 1 और button 2। अच्छा, जो अगर आपको XML देखनी है तो यहाँ पे हमारी साथ साथ XML भी क्रिएट होती है, जब भी हम वो बना रहे होते हैं डिज़ाइन से ड्रैग एंड ड्रॉप, तो XML हमारी क्रिएट हो रही होती है। अच्छा, तो अब हम, अच्छा ये कोई हमारे पास आ रहा होगा कंस्ट्रेंट लेआउट का, वो आ रहा है कि पोजीशन का, तो इसको इग्नोर करें अभी फ़िलहाल, आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑन क्रिएट से ऊपर आपको अपना जो भी विजिट यूआई रजिस्टर कराना है उसका नाम यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट व्यू बनाया था, तो टेक्स्ट व्यू आप देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये बता रहा है Android.Widget के अंदर टेक्स्ट व्यू। सही है। अच्छा, इसके लिए कोई रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा, तो हमने TV_1 रख दिया जो हमारे आईडी का भी नाम है, और सेकेंड हमने यहाँ पे एक बनाया बटन BTN_1, अच्छा मल्टीपल आपको रखने हो तो कॉमा डाल के आप जितने दिल चाहे आगे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने दो वेरिएबल बना लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, टेक्स्ट का और एक बटन का। अब हम इसको यहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे, यहाँ से हमने टेक्स्ट व्यू कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया इक्वल। अच्छा, इसको हमने कास्टिंग कराई कि हम किस क्या ये किस क्या चीज़ है, तो इसको टेक्स्ट व्यू दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv_1। अच्छा, इस लाइन से अब होगा क्या, जब भी हम इस TV_1 से कोई भी चीज़ काम करवाएंगे, तो जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है ना
हेलो वर्ल्ड वाला, इसके ऊपर परफॉर्म होगा जो भी हम एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे होंगे। तो ये चीज़ हमारी रजिस्टर हो गई इस लाइन से। सेम हम करेंगे बटन के लिए, बटन वन इक्वल टू, अच्छा इसकी टाइप होगी अब बटन, ऊपर वाले की टेक्स्ट थी इसकी बटन, बाकी चीज़ें सेम, आर डॉट आई डी डॉट बटन अंडर स्कोर वन, बटन टू इक्वल टू बटन फाइंड व्यू आई आई डी आर डॉट आई डी डॉट बटन टू। सही। अच्छा अब करते यह हैं, जब बटन वन क्लिक हो तो हमें टेक्स्ट व्यू पे दिखाना है जो हमारा टेक्स्ट था हेलो वर्ल्ड का, कि बटन वन इज क्लिक। जब बटन टू क्लिक हो तो हमें उस पर दिखाने के बटन टू इज क्लिक। सही। तो हमने सबसे पहले बोला बटन वन, बटन वन से अब हम काम करवाना चाह रहे हैं डॉट। अब यहाँ पे इसके जितने मेथड्स हमारे पास एक्सेसिबल हैं वो सारे आने शुरू हो गए। तो हमें सबसे पहले क्लिक के ऊपर काम करना है, सेट ऑन क्लिक लिखना, सबसे पहला वाला जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस पर मैंने इंटर किया। यहाँ पे मैं न्यू रेफरेंस दूंगा इसको, न्यू वी कैपिटल लिखूंगा, तो मेरे पास ये ओवरराइड मेथड ऑटो जनरेटेड का देना शुरू कर देगा कि न्यू लिस्टनर आप बनाओ। सही। अब यहाँ पे बटन वन के ऊपर जो भी मैं क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। तो मैंने इस टीवी वन को कॉपी किया, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसको दिया टीवी वन डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन वन इस क्लिक। सही। टीवी वन जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसकी एक प्रॉपर्टी थी सेट टेक्स्ट। अच्छा यही मेथड मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सेव करने के लिए टाइम को थोड़ा सा, और यहाँ से स्पेस देके यहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा बटन टू, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू यही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा बटन टू। सही। अच्छा कोई इसमें हमने ज़्यादा कोई काम नहीं किया, बस टेक्स्ट व्यू ऐड किया और दो बटन ऐड किए। अब हम करते हैं अपनी ऐप को रन। अच्छा डिवाइस क्यों पूछ रहा है, यहाँ पे जो डिवाइस हमारे चल रही है उसी पे रन करेगा। ओके तो एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है सक्सेसफुली, अब हो रही है इंस्टॉल एपीके लॉन्चिंग एक्टिविटी, और ये हमारे पास। अच्छा बटन को हमने लेआउट पोजिशनिंग उसकी सही नहीं की थी, तो ये होता है ड्रैग एंड ड्रॉप से नुकसान के आपकी पोजीशन जो है वो मसला करती है। अब मैं इसको करता हूँ लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट पे मैं इसको कर देता हूँ ओरिएंटेशन वर्टिकल। सही। और इसको मैं लेकर आ जाता हूँ सेंटर में। अब मैं इसको रन करता हूँ। ऑलराइट तो ये हमारे पास एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है जिसके ऊपर एक टेक्स्ट आ रहा है, और ये हमारा बटन वन है बटन टू। अच्छा इसको मैं नाम बटन वन बटन टू देना भूल गया, तो बेसिकली ऊपर वाला बटन वन है और नीचे वाला बटन टू। जब मैं बटन वन पे क्लिक करूँगा तो लिखा हुआ आएगा बटन वन इज क्लिक, जब मैं बटन टू पे क्लिक करूँगा तो लिखा हुआ आएगा बटन टू इज क्लिक। सही। तो ये बिल्कुल बेसिक एंड्रॉयड की है, जिसके हम टेक्स्ट व्यू और बटन से किस तरह से चीज़ें परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू लिया, दो बटन्स लिए, और हमारी अपनी जावा की क्लास के अंदर, अच्छा ये चीज़ जो है रेफरेंस बनाई थी मैंने ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट का था और बटन, और यहाँ पे इसको रजिस्टर करवाया था और यहाँ पे इसका एक लिस्टनर लगवाया था। ये कोड जो है शुरू में आपको शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आप लिखना शुरू करते हैं तो ये कोड खुद ही इंटेलिजेंस उसकी आना शुरू हो जाती है। ऑलराइट तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ इससे आगे एडिट टेक्स वगैरह को यूज़ करेंगे, कुछ सम सब्ट्रैक्शन वगैरह के कुछ चीज़ें बनाना शुरू करेंगे।